Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well in this pandemic. Dear students, as you know, we have started another chapter. ऑफ योर टेक्सट बुक द हॉर्न बिल टाइटलड द डिस्कवरिंग टू ट सागा कंटिन्यूज बेटा इससे पहले हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया आपको कि वट दिस स्टोरी इज डिस्करिंग टू द सागा कंटिन्ूज कि ये है क्या ये स्टोरी जो ये टूट है ये है क्या ये था कौन सागा कंटिन्यू इस टूट की मीनिंग क्या है इस सागा सागा की मीनिंग क्या है एक्चुअली इट इज स्टोरी ऑफ एंग टूटन खानुम और टूटन खातुम तो उसको एक निकनेम दिया गया था फिर टूट तो वो नौ साल की उम्र में ही बिकेम किंग एट द एज ऑफ Perhaps 11 years, the youngest king, the youngest king of his dynasty, because uh, Tut's forefathers uh, ruled Egypt many centuries, many centuries. Though he was the last heir of the powerful family. वो उस पावरफुल फैमिली वो उस किंग्स डायनास्ट उस रॉयल फैमिली का लास्ट वर्स जो था टूट। तो उस व्हेन ही वॉज क्राउनड एज ए प्रिंस एज ए किंग आफ्टर फ्यू इयर्स तो उस जब उसको वहां पर ताज पोश उसकी की उसको किंग बनाया गया छोटी सी उम्र में तो उसके बाद परहैप्स एट द एज ऑफ एटीन और नाइनटीन उसकी डेथ हो गई लेकिन उसकी डेथ ने एक वो एक मिस्ट्री सी बन गई क्योंकि उस लोगों को ये पता ही नहीं चला वहां के लोगों को ये पता दुनिया को भी पता नहीं चला कि उसकी डेथ कैसे हो गई वो छोटा सा राजा था छोटा सा बादशाह था जिसको बहुत कम उम्र में तख्तो ताज मिल गया था उसकी डेथ कैसी हो गई फिर उसको उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व क्योंकि उनको वहां का रिवाज था वहां के रिचुअल थे कि जो भी रॉयल फैमिलीज में मरते थे तो उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था तो इस तरह से टूथ की मम्मी को भी उसकी बॉडी को भी तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे है Just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. With murder being the most extreme possibility, now leaving his tomb for the first time in almost eighty years, eighty years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. Pharaoh means.

पर हैप्स एट द एज ऑफ एटीन और नाइनटीन एंड ही वॉज द लास्ट आयर ऑफ द पावरफुल फैमिली और उस फैमिली का उस किंग्स फैमिली का उस रॉयल फैमिली का वो लास्ट वाला वारिस था क्योंकि उसकी फैमिली जो थी किंग टूट की फैमिली जो थी दादा पट उसके जो फोर फादर्स थे उन्होंने कही कहीं सेंचुरी तक वहां पर इजिप्ट में राज किया था ही वॉज लेट टू रेस्ट लेडन विथ एंड इवेंचली फॉगट तो उसको फिर दफनाया गया सोने जवाहरात हर, हर एक चीज से उसके उसको दफनाया गया उसकी डेड बॉडी को और लोग भूल गए बट आफ्टर सिंस द डिस्कवरी ऑफ द टॉम इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू तो जब से उसकी बॉडी को एक साइंटिस्ट ने एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक हॉवर्ड कॉटन ने 1922 में उसकी बॉडी को एक्स्यूम किया उसकी बॉडी को डिस्कवर किया द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैप टू हिम तो उसके बाद लोग ये सोचने लगे मजबूर हो गए ये सोचने पर व्हाट हैफ टू हिम उसकी जो डेथ थी क्या वो नेचुरल डेथ थी या उसको मार दिया गया था दिस बिकेम द मोस्ट people thought that whether he died in, uh, in natural death or he had been murdered had he been murdered नाउ लिविंग इज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट एटी ईयर टू टेज अंडर गैन डेट ऑफर्स न्यूक्लिय अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ तो आफ्टर एटी ईयर्स उसकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए साइमन्स एक साइंटिस्ट था उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा गैजेट बनाया जिसको बोलते हैं सिटी स्कैन तो उससे ह्यूमन बॉडी का मतलब एक्सरे काइंड ऑफ एक्सरे मशीन लेकिन वह हर पार्ट का एक्सरे करती है फ्राम टॉप टू टो बाय पार्ट तो उसने तो साइमनज ने पहली बार ये जब ये मशीन उसको यूज करने के लिए उसने यूज करने के उसने कहा कि पहले ये टूट की बॉडी को किया जाए ताकि ये पता चले कि उसकी डेथ कैसे हो गई थी एंड प्रोवाइड दस डेटा फ्रॉम एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फरो फॉरेंसिक मतलब इसको साइनसी तौर पता किया जाए कि उसकी डेथ कैसे हो गई थी एन एंग्री विंडस टाइड अब गोस्टली डस्टिवल्स एज किंग टूट वॉज टेकन फ्राम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एशियट इजिप्शियन सिमिट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग्स तो जब उसकी बॉडी को एग्ज्यूम किया जा रहा था कबर से उस टॉम से निकाला जा रहा था क्योंकि उसको प्रिजर्व करके रख दिया गया था जब उसको उस वहां से निकाला जा रहा था तो हर तरफ आसमान पर बादल छाए हुए थे स्टाइड इस हर तरफ पर बादल छाए हुए थे क्योंकि उस जगह स्टेड मीनस गो मीन्स टू इंसाइट टू एराउ एक्शन टू क्रिएट अवर इंस्टिंग तो हर एक वहां पर जब उसकी बॉडी को वहां से निकाला जा रहा था उस टॉम से उस जगह से क्योंकि उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था वहां का रिचअल था तो आसमान पर इतने घने बादल छाए हुए थे जब उसको सिमिट्री सिमिट्री मीन्स ग्रेवयार्ड एज मैंने लिखे है कोई डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग मैंने लिखे है वर्ड पर आप क्लियरली देख सकते हो इनकी मीनिंग तो जब उसको ग्रेव से निकाला जा रहा था उस वैली से उस वैली का नाम था वैली ऑफ किंग्स क्योंकि वहां पर हर एक जो रॉयल फैमिली के मेंबर मर जाते थे या वहां पर जो किंग्स की फैमिली के मर जाते थे तो उनको प्रिजर्व करके रख जाता तभी तो तभी तो उस जगह का नाम पड़ गया था द वैली ऑफ किंग्स द वैली ऑफ किंग्स इट इज द प्लेस नियर लग्जर इन द सउदर्न इजिप्ट इट इज ए प्लेस वेयर मेनी इजिप्शियंस इजिप्शियन किंग्स वायर बुरीर दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द वैली ऑफ किंग्स क्योंकि वहां पर मिस्र के बहुत सारे बादशाहों को दफनाया गया था वहां प्रिजर्व करके तभी तो इस जगह का नाम रखा था वैली ऑफ किंग्स वादी जो है बादशाहों की वादी डार्क बुलौड हेट्स अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वेर वीलिंग द स्टन कैस्केट ग्रे तो जब उसकी बॉडी को वहां से निकाला जा रहा था तो आसमान पर इतने काले काले बादल छाए थे कि आसमान भी ऐसा लग रहा था कि इमोशनल होता जा रहा था हर तरफ पर काले बादल छाए हुए थे जैसे उनके बीच में एक रेस सी लग टू रेस लॉन्ग स्विफ्टली और तारे जो थे वो भी अपने मतलब तारों से आसन भरा लेकिन हर तरफ से वो उदासी का माहौल छा गया था It was 6 pm on January 5, 2005. The world's most famous mummy glided into head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Shamke Ponj Dunya Ke mashur, मम्मी मम्मी को म, मी, मी ने जब डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जा रहा था उसमें बैंडेजेस से और कुछ सिटी सब लगा, लगा के उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा तो मम्मी को पहली बार निकाला जा रहा था सॉफ्टली ग्लाइड मीनस सॉफ्टली टू मूव सॉफ्ट उसको बाहर धीरे धीरे निकाला जा रहा था एक साइंसी uh, इन्वेस्टिगेशन uh, uh, के लिए फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एक ऐसा गैजेट इस्तेमाल हो रहा था उसकी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए जिसका नाम है सीटी स्कैनर तो दुनिया की सबसे बड़ी जो एक राज था वेदर द यंग प्रिंस द यंग किंग डाइड नेचुरल डेथ और समथिंग एल्स तो ये एक मिस्ट्री थी अब दुनिया के सामने जो थर्टी थ्री ईयर्स एगो कोई वाकया हुआ था कोई हादसा हुआ था वो दुनिया के सामने अब खुलने वाला था ऑल आफ्टर line द tourists लाइन ऑफ टूरिस्ट world अराउंड द वर्ल्ड है क्रैम्पड तो दुनिया भर के लोग आए थे वहां पर क्रैम्पड मीनस कंजेस्टेड पूरी जगह भरी भरी थी लोगों से दुनिया भर से लोग आए थे देखने के लिए कि आखिरकार वो उसकी बॉडी को देखना उस मम्मी को देखना चाहते थे रॉक का टॉम समवेंटी सिक्स फीट अंडरग्राउंड पे दियर रेस्पेक्ट तो वो एक कमरा बना गया बनाया गया था जमीन के अंदर बहुत डेकोरेटेड बहुत बिल्कुल फिनिश के साथ तो जहां पर इसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जा रहा था तो वो साइंट वो जो टूरिस्ट आए थे लोग आए थे वो अपने पूरे रेस्पेक्ट के साथ वहां पर खड़े थे ताकि वो रियलिटी जान सके देजड एट द मॉडल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बोरियल चैम्बर एंड पीर एट टूट ग्लाइडेड फेस तो जब वहां पर लार्ज पेंटिंग्स रखी गई थी उस कमरे में हर एक चीज परफेक्टली डिजाइन किया गया था उस कमरे में जहां पर इस छोटे से बादशाह को दफन किया गया था प्रिजर्व करके रखा दिया गया तो वो हरी वन वॉज सर टू सी द कंडीशन ऑफ दैट रूम ऑफ दैट प्लेस द मोस्ट स्ट्राइकिंग फ्यूचर ऑफ हिज मम्मी शेप आउटर कॉफिन लैंड तो जो कॉफिन था जिसमें इसको प्रिजर्व कर दिया रखा वो जो ताबूत था उसको भी एक मम्मी शक्ल में एक मुजस्मे की शक्ल में भी बनाया गया था लेकिन दैट वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक आउटर कॉर्स सम विजटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्तार तो कुछ वहां पर बुक्स रखी गई थी उनके लाइफ हिस्ट्री किंग के लाइफ हिस्ट्री के बारे में उस जगह के बारे में तो कुछ जो टूरिस्ट है वो धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज में धीमे धीमे वो पढ़ रहे थे टू नो द हिस्ट्री द नो द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ दियर लाइफ हाउ दे रूलड दियर फोर फादर हाउ दे एंड द किंग्स फोर फोर रूलर द इजिप्ट अदर टूट साइलेंट कुछ वहां पर पढ़ रहे थे किताबों कुछ रूम को देख रहे थे कुछ उस कॉफिन को देख रहे थे तो कुछ वहां पर खामोश से देख रहे थे पर हैव पांडरिंग टू टाइमली डेथ इन हिज लेट टीन शायद वहां पर वो दे वायर रूमिनेटिंग वर दे वर ट्राइंग टू देअर हार्ड टू नो द काज ऑफ दिस द डेथ ऑफ दिस प्रिंस द डेथ ऑफ दिस यंग किंग और वांडरिंग विथ एशि इर्दा फारो कर्स तो वहां पर और वो हैरान भी रह गए थे कि उनको ये कहा जा रहा था कि वो थरथरा रहे ट्रेवल करें उनको ये लोगों का ये बिलीव था कि अगर आ, कुछ गलत हुआ इनकी इन राजाओं की डेड बॉडी के साथ तो फिर इंसान की जिंदगी में मुसीबत आ जा बदुआ लग जाती है डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलोइंग अपन दोज हु डिस्टर्बड हिम तो ये वहां के लोगों का मिथ था ये एक मिथ था ये उनका बिलीव था मिथ था या उनका यकीन था या बिलीव था कि अगर किंग्स की बॉडी के साथ अगर बादशाहों की बॉडी डेड बॉडी के साथ या उनके साथ कुछ बदसलूकी की जाए या गलत सोचा जाए तो जो लो, जो लोग कुछ गलत सोचेंगे तो उन पर मुसीबत आ जाती है तो ये जो टूरिस्ट ये भी थोड़ा सा हेजिटेट करने लगे थोड़ा सा शिवर करने लगे वॉज रियली ट्रू क्या ये सच है या गलत